अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी होश नहीं आया। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? अभी नहीं, आधे घंटे बाद। अब आपकी तबीयत पहले से काफी अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एहसानात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा नहीं, तुम देवी जी का शुक्रिया अदा कीजिए। देवी जी? मैं समझा नहीं, कौन देवी जी? वही जिनकी कार से टकराकर आप जख्मी हुए थे, जिन्होंने आपकी सेवा में रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। कहा है डॉक्टर? मैं उन्हें देख सकता हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ? दीजिए, वो खुद ही आ गए। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। जी, इसमें आपका नहीं, मेरा ही दोष था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप दो दिन बाद अपने घर जा रहे हैं। ताज्जुब है कि आपने अपना नाम और घर का पता भी नहीं बताया। मेरा कोई घर नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तो फिर आप मेरे घर को अपना घर समझिए। पिताजी कह रहे थे कि हमें एक मैनेजर की जरूरत है, अगर आप तैयार हो तो रहने को मकान भी मिलेगा। क्या इरादा है? यह है मेरे घर का पता। दीवार सख्त है, कील अंदर जाती ही नहीं। नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? हमारा नाम ले, देखें कैसे नहीं जाती। बहुत अच्छा सरकार, शेख मोटूमल के नाम से जा अंदर, 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 जा अंदर। अबे गधे कहीं के, ये कील इस दीवार की नहीं उस दीवार की है। आ मेरे साथ। ये कील इस दीवार की है ना? हाँ सरकार, वाकई आप बहुत समझदार है। बिल्कुल सरकार। पाजी सरकार। नालायक सरकार। उल्लू सरकार। पिताजी सरकार। मामी, आप मुझे क्यों याद कर रहे थे? पिताजी, हम तुम्हें क्यों याद कर रहे थे? क्यों बे बटुआ, हम कामनी को क्यों याद कर रहे थे? सरकार, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? सरकार, आपने मुझे बताया ही नहीं। देख बे, हम बताएं या ना बताएं, जो बात हम सोचते तुझे मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा सरकार। गधे का बच्चा। माय बाप। छोटी सरकार, आपका फोन। अच्छी बात है। हेलो, ओह आप हैं, फरमाइए कैसी तबीयत है? जी, वो नोट तो मैंने इसलिए रख दिए थे कि शायद आपको जरूरत पड़े। छोड़िए इन बातों को, ये बताइए आपने हमारे यहाँ काम करने के बारे में क्या सोचा? सच? अच्छी बात है, तो मैं अभी पिताजी से कहकर सब कुछ तय कर लेती हूँ। आप
हेड क्लर्क है और ये फाइलिंग क्लर्क और वो कैशियर। अच्छा। आप इनसे मिलिए, ये हमारे नए मैनेजर साहब हैं। हमें आपके आने से बड़ी खुशी हुई मैनेजर साहब। अगर आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहे तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से निभा सकूंगा। और हाँ, मैं तमाम पिछली कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल्स और जरूरी कागजात वगैरह एक नजर देखना चाहता हूँ। बहुत बेहतर, मैं अभी हाजिर करता हूँ। और कहिए मैनेजर साहब, ऑफिस पसंद आए? जी बहुत उम्दा है देवी जी। माफ कीजिए, मेरा नाम देवी जी नहीं, कामनी। जी मैं जानता हूँ। तो फिर आप मुझे कामनी क्यों नहीं कहते? एक मुलाजिम अपने मालिक का नाम कैसे ले सकता है? आपके मालिक होंगे मेरे पिताजी, मुझे तो आप अपना। जी मैं आपको अपना दोस्त समझिए, अपना हमदर्द समझिए। अपना मैं अपना वो जो अरे हाँ, आप मेरे पिताजी से तो मिले ही नहीं। अगर काम से फुर्सत हो तो आज शाम को आइए ना हमारे घर। जी आज शाम को तो मुश्किल है, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। मिलाइए हाथ। हमने तुझसे हजार बार कहा है कि चाय पिलाने से पहले हमें खबरें सुनाया करो, मगर तू हर वक्त भूल जाता है। नहीं सरकार, अभी सुनाता हूँ। सुनाता हूँ, सुनाता हूँ सरकार, सुनाता हूँ।
अबे इतनी देर लगती है खबरें सुनाने में? सुनाता हूँ सरकार, सुनाता हूँ सरकार। खबर ये है कि किसी की मोटर उलट गई। मोटर उलट गई? हाँ सरकार। फोटो देख लीजिए, मोटर उलट गई। अबे तेरा सर उलट गया है, मोटर सीधी है, अखबार उल्टा है, उल्टू का पट्टा। खबरें सुनाता सरकार, आप तो हमेशा मुझे ही डांटते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कहते आप। जो भी गलती करेगा उसे हम तोड़ते हैं। तो सरकार, माली ने आज बाग में पानी नहीं दिया, आपने उसको तो कुछ नहीं कहा। माली ने बाग में पानी नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहाँ है माली का बच्चा? कहाँ है माली? माली का बच्चा, माली, 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 माली का बच्चा, इधर आओ। ये सरकार, सरकार आपके बच्चे बाग में पानी क्यों नहीं देता? सरकार, पानी तो बरस रहा है। पानी तो बरस, अगर पानी बरस रहा है तो छाता लगाकर पानी दे। आपको माली तो बेटी मैनेजर साहब की 100 रुपया और तनख्वाह बढ़ा दो। हमें माली समझा क्योंकि हम पानी दे रहे हैं। क्या हुआ बटुआ, क्या हुआ? कोई घर से बुरी खबर आई है? तो फिर रोते क्यों हो? रोते क्यों हो? मुझे आपसे जो बात कही कि उसने दया की बात कही, आपने 100 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। हाँ। और मैं बरसों से आपकी खिदमत करता आया हूँ। हाँ। लेकिन 35 के 36 नहीं हुए। 35 के 36 नहीं? हाँ। तुम्हें तो 35 रुपये महीना मिलता है ना? हाँ मिलता है। 35 रुपये महीना तो उसने 1 साल का कितना हुआ? इनके बताता हूँ। बताओ जल्दी बताओ। 420। 420। तो हम बरसों से तुम्हें हर साल 420 देते आए हैं और मैनेजर साहब ने एक लम्ब नहीं कहा? उससे एक दिन में 100 रुपया मिला तो तुम्हारा पेट दुखता है? नहीं दुखता है, नहीं दुखता है। क्या क्या से नमक खराब? इधर कपड़े कहाँ मिले? कपड़े अंदर अंदर वो जो आपको मकान दिया गया है पसंद आया? जी जी हाँ। आप हर वक्त खोए खोए से क्यों रहते हैं? मैं हाँ। नहीं, माफ करना मैनेजर साहब, हमारा बेवकूफ माली बरसात की वजह से बाग में पानी नहीं दे रहा था, इसलिए हम दे रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। दरअसल बात यह है कि हमें फूलों का बहुत शौक है और कोई शौक नहीं। क्यों है ना कम? जी हाँ पिताजी। और वो तस्वीरें? खूब याद दिलाई साहब।
हम अपने कमरे की तस्वीरें हर वक्त बदलते रहते हैं क्योंकि हमें तस्वीरों का बहुत शौक है और कोई शौक नहीं क्यों है ना काम में पिताजी। और वो शिकार खूब याद दिलाई वो शिकार वाह 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 साहब एक दिन तीन नाली बंदूक लेकर हम शिकार पे गए तीन नाली बंदूक नहीं नहीं पिताजी चार नाली खूब याद दिलाई चार नाली बंदूक जी हाँ चार नाली बंदूक लेकर हम शिकार पे गए। यूं ही जंगल में हम चाय पी रहे थे हमने देखा कि एक शेर घबराता हुआ जा रहा है हमने आवाज दी शेर रुक जा वो रुक गया कहा के आ गया आओ वो आगे आ गया कहा के लेट जाओ वो लेट गया हमने हुक्म किया कि अरे बेटी आगे तो सुनो क्या हुआ हमने जाके उसे नापा तो 140 गज लंबा था 140 भूल गया 140 नहीं 150 गज लंबा था। माफ कीजिए एक बार हम भी एक तोप लेकर शिकार को गए तो ये बात यह है कि चाहे तोप हो चाहे एटम बम हो इस्तेमाल तो हम करते नहीं है बस जबान से काम चल जाता है जबान बड़ी तेज है हाँ तो साहब हमने देखा कि दूर एक चूहा उड़ा रहा है चूहा चूहा हमने कहा चूहे ठहर जा वो ठहर गया हमने कहा पास आ जा वो पास आ गया हमने कहा लेट जा वो लेट गया हमने कहा मर जा वो मर गया खानदानी चूहा मालूम साहब हमने जो उसे तोला है तो उसका वजन 140 मन निकला 140 मन और मैं भूल गया 150 मन बिल्कुल झूठ देखिए आप अपने चूहे का वजन एकदम कम कर दीजिए माफ कीजिए पहले आप अपने शेर की लंबाई कम कीजिए जितने गज आप कम करेंगे उतने ही मन मैं कम कर दूंगा मैंने कहा आप पहले आप कीजिए देखिए पहले आप काम नहीं हमें गुस्सा रहा है बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे कह दो कि निकल जाओ यहाँ से कहने की जरूरत नहीं मैं खुद ही चला जाता हूँ चले जाओ ना ठहरे क्यों ठहरो क्यों जाते हो कहाँ जाते हो किस लिए जाते हो तुम नहीं जा सकते हम जाएंगे आप सचमुच बुरा मान गए मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था कि मेरे पिताजी का जरा लेकिन दिल का सच्चे और साफ है काम नहीं मैनेजर की तनख्वाह 200 रुपए और ज्यादा कर दो बहुत अच्छा सुन लिया आपने आइए तशरीफ रखिए जरा एक गिलास पानी मंगवा दीजिए अभी लीजिए बटवा जी सरकार एक गिलास पानी तो लाओ बहुत अच्छा सरकार अभी लाए माफ कीजिए मैं अभी आया की नौकरानी है क्या नाम है इसका इसका नाम हम कुछ नहीं है इसका तो हम लोग गुंगी कहते हैं हाय उड़ गया दिल मेरा फुल फुल वो रूप नगर के सौदा
अपना रंग जमाता जा, जादू का खेल दिखाता जा। बालों में फूल कितना प्यारा लगता है, इन प्यारे प्यारे होंठों पर हंसी कितनी भरी मालूम होती है। अरे आज तो बहुत खुश हो, क्या मिल गया तुझे? अरे अरे फिर तो कहां ले जा रही है मुझे? आइए मालकिन, कैसी हो माजी? जी जी रहो। अच्छी हूँ। आज घूमने काम पर नहीं गई? गई तो थी, अभी आई है। आइए ना, आइए। सौभाग्य कि आप हमारे घर पधारे। आइए। अरे पगली, कुर्सियों पर बैठने वाले चटाई पर कैसे बैठेंगे? दोनों तो चले भी गए। आप मुझे कहां ले आए? ऐसी जगह जहां इंसान आकर खो जाता है, जहां तन्हाइयां खामोशियां, ना कोई हमें देख सकता है और ना कोई हमारी बातें समझ सकता है। जो बातें किसी को ना सुनाना हो वो दिल ही में रहें तो अच्छा है। बात जब मुंह से निकल जाती है पराई हो जाती है। तो आप मुझे अपना नहीं समझते? जी 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 बात तो नहीं। तो फिर आप मुझे अपने दिल का हाल क्यों नहीं बताते? यकीन कीजिए मैं आपके गम को खुशी में बदल दूंगी, आपके आंसुओं को मुस्कुराहटों में तब्दील कर दूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में ना गम है ना खुशी। मैं एक ऐसा मजबूर इंसान जो हंसना चाहे तो हंस ना सके और रोना चाहे तो रो ना सके। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जिसे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं।
मैं एक ऐसा मरीज हूं जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैंने आपको समझने में गलती की है या आपने मुझको समझने में। जी नहीं, मैं तो आपको अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपकी नेकी, आपकी शराफत, आपकी मोहब्बत, इन सबको अगर मैं भुलाना भी चाहूं तो नहीं भुला सकता। काश मैं आपको अपना सीना चीर कर दिखा सकता कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत। अब आगे कहने की जरूरत नहीं। जब आप मुझे इतना समझते हैं तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। एक दिन आएगा कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगा। बुधवा, ओ बुधवा। जी सरकार। अरे क्या गड़बड़ है, क्या हुआ है यहाँ? सरकार, वो हीरालाल चाचा का जवान बेटा मर गया। मर गया? क्या हुआ, कैसे मर गया? सरकार, उसे सांप ने बिल्कुल आँख के पास काटा था। चलो अच्छा हुआ, बेचारे की आँख तो बच गई। बटुआ, अबे ओ बटुआ। जी सरकार। अबे चलो, बहुत अच्छा। पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया, क्या बकता है? जी हाँ सरकार, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा तो गाड़ी घुमा ले और हमें घर छोड़ दे। बहुत अच्छा सरकार। बोलो का पट्टा। सरकार, माफ करना। ओ तू, आज तो बहुत बनठन के आई है। समझ गया, मैनेजर जो आने वाला है। मगर देख, तू मैनेजर को इस तरह घूर घूर के मत देखा कर, मेरा दिल यू यू होने लगता। अबे तू क्यों हंसता है? अच्छा, और ऊपर से अकड़ता भी है। जब देखो तब गुंगी को ही छेड़ता रहता है। मैं जाके सरकार से तेरी शिकायत करूंगा। जा जा, सरकार की कौन परवाह करता है? मैं तो उनको गधे के बराबर भी नहीं समझता। ये बात है। हाँ, तुम अभी जाके सरकार से कहता हूँ। अबे एक दफा नहीं, हजार बार कहे। सरकार को जब मैंने उसे कहा कि मैं सरकार से कह दूंगा तो कहने लगा मैं तो सरकार को गधे के बराबर भी नहीं समझता हूँ। गधे के? क्या कहा? वो हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता। कहाँ है वो बटुआ का बच्चा? बटुआ को बुला। अबे वो बटुआ, बटुआ के बच्चे। जी सरकार, हाजिर हुआ सरकार। सरकार, बंसी इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार, सरकार के बच्चे हम हुक्म देते हैं, इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार, मेरा कसूर? ना, अभी कसूर पूछता है? क्यों बे बटुआ के बच्चे, तू हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता? नहीं सरकार, मैं तो समझता हूँ। क्यों बे बंसी, ये तो समझता है, तू हमसे झूठ बोलता है? लेकिन सरकार, ये सरकार के बच्चे निकल गए, निकल जाए आपसे। उल्लू कहेगा। छोटी सरकार, आपने मुझे बुलाया था। हाँ बंसी, रसोईया से कह दे कुछ अच्छा सा खाना पका दे। आज मैनेजर साहब आने वाले हैं। और देख, गुलदान में ताजा फूल लगा देना। बहुत अच्छा सरकार।
ही बोल रही हूँ। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ जी। आप नहीं आएंगे? क्यों, क्या बात है? तबीयत खराब है? क्या हो गया? सर में दर्द है? जाओगे अब तुम पीछे हम जाओ।
बड़ा खुश नसीब है। हमारे यहाँ का दस्तूर है कि लड़की जिस मर्द के गले में हार डाल दे उसी से शादी करती है। आज तुम दोनों की शादी हो गई। तू यहाँ क्यों आई? तू मुझे पागल बना देगी, पागल। जा, चली जा यहां से। मेरी परेशानियों को और न बढ़ा। अगर तुझे यहां किसी ने देख लिया तो अपने दिल में क्या समझेगा? चली जा, भगवान के लिए इसी वक्त यहां से चली जा। तुझे एक अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन आज मालूम हुआ कि तू किसी शरीफ घराने में काम करने के काबिल नहीं है। चली जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। आज से कभी मेरे घर में कदम न रखना। परसों के बाद तो तुम मुस्कुराई थी, ये आज किसने तेरी मुस्कुराहट को आंसू में बदल दिया? तुझे किसकी नजर लग गई? क्या हो गया? क्या बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले तो ये हंसती हुई आई थी, आज फिर रोती हुई आई है। कुछ बोलती तो है नहीं जो पता चले। ये बोलती क्यों नहीं? किसी डॉक्टर को दिखाया? अरे बेटा, ये तो अब जीवन भर यूं ही रहेगी। इसकी बीमारी ऐसी नहीं है जो कोई डॉक्टर अच्छा कर सके। ऐसा ना कहो माँ, दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। हम इसे आज ही किसी काबिल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जुग जुग जियो बेटा, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। देर के लिए तुम इस कमरे में बैठ जाओ। तो आपका कहना यह है कि आज से 10 साल पहले यह अच्छी तरह बोलती थी? जी। और फिर इससे एकदम बोलना बंद कर दिया? देखिए, मैंने इसका अच्छी तरह मुआयना किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके गले या जुबान में ऐसी कोई खराबी नहीं है। हां, मेरी अपनी जाती राय है कि बचपन के किसी भारी खौफ या सदमे ने इसके दिमाग पर गहरा असर कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जबान गूंग हो गई। इस बारे में आपको मेरी काफी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद तो कोई बात बता नहीं सकती। इसलिए आप अच्छी तरह सोचकर इसके बचपन का कोई खास हादसा बता दीजिए ताकि इसके इलाज में आसानी हो। ये उन दिनों की बात है, मैं उस दिन को कभी ना भूल सकूंगी जब मैं चांदपुर में रहती थी। छोटी सी झोपड़ी थी हमारी, हम माँ बेटी जिंदगी के दिन काट रहे थे। झोपड़ी से कुछ फासले पर एक मेजर साहब की हवेली थी। उनका लड़का मेरी बच्ची पर जान छिड़कता था। छोटे सरकार, आपको बड़े सरकार ने बुलाया है। पिताजी ना,
जी हाँ, बड़े गुस्से में है। चलो मैं आता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा आशा, अब मैं जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी तुम पर रोज रोज खफा क्यों होते हैं? मेरी माता जी तो मुझ पर कभी खफा नहीं होती। पिता और माता में बहुत फर्क होता है आशा। चलो हटो, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों का खेलना पसंद नहीं करते? उन्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। बिल्कुल जो जाओ, मैं तुमसे नहीं हूँ। बस रुक गए, कोई बात नहीं, जब पिताजी ऑफिस चले जाएंगे तो मैं तुम्हें आकर मना लूंगा। आ गई राजकुमारी जी, अब जवाब थोड़ी ही मिलेगा, जैसे किसी ने होंठ सी दिए हो। मेजर साहब ने आज फिर कहलवाया कि अपने लड़के को समझा दो, मेरे बेटे के साथ ना खेला करें। मेरी लाडली, जरा सोच तो, अशोक बहुत बड़े आदमी का लड़का है और तू एक गरीब बेवा की बेटी, इसका अंत क्या होगा? हे भगवान, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? राजकुमारी की सेवा में दास का प्रणाम स्वीकार हो। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आप मुझसे रूठ गई हैं और इसीलिए तो मैं आपको मनाने के लिए आया हूँ। बस अब जल्दी से मान जाओ, समझी? अच्छा ये बात है तो फिर मैं भी किसी ऊंची जगह से पूछकर अपनी जान दे देता हूँ। अशोक, ऐसी बातें ना किया करो, मेरा दिल घबराने लगता है। चलो चलकर कहीं खेले। अशोक, कहाँ जा रहे हो? तू कहाँ जाती है? मैंने तुझे हजार बार मना किया, तू अशोक के साथ मत खेला कर, लेकिन तू बात नहीं आती। पता फिर खेलेगी? बोल बोल। बहन किसी मेरी बच्ची पर, आप भी औलाद वाले हैं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तो समझा दी अपनी छोकरी को कि मेरे बेटे के साथ ना खेला करे, वो तुम जैसे भिखारी उसका खेलने को पैदा नहीं हुआ। ठीक है मेजर साहब, मैं समझा दूंगी। अभी समझा, मैं इस छोकरे के मुंह से सुनकर जाऊंगा। हाँ कह दे, हाँ कह दे मेरी बच्ची, हाँ कह दे मेरी लाडली, हाँ कह दे। ठहरो, ये ऐसे बात नहीं आएगी। गरीबों की भी जान होती है मेजर साहब, मेरी बच्ची पर तरस खाइए। तो फिर ये बोलती क्यों नहीं? अब तो आप इसे जान से भी मार डालेंगे तो भी ये नहीं बोलेगी। ये मेरी बेटी है, इसे मैं जानती हूँ। तो इसे जानती है लेकिन मुझे नहीं जानती। मैं हूँ मेजर दुर्जन सिंह, जो हुक्म देता हूँ वो मानना ही चाहिए, या जमीन और आसमान टकरा जाएं। आपका हुक्म माना जाएगा, मैं आज ही इसे दूर, बहुत दूर ले जाऊंगी, इतनी दूर कि फिर अशोक के साथ खेलने कभी ना आ सकेगी। मैं उसी दिन आशा को यहाँ ले आई, लेकिन आशा फिर कभी नहीं बोलेगी। बोलेगी और जरूर बोलेगी, मैं ही वो अशोक हूँ। मुझे आंखों के अंधे ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो मुझे पहचान गई। मिश्रा अशोक, हट जाइए, अब उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। आशा, आशा, आशा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े हैं। आशा बोलो, एक बार कहता कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बोलो आशा, आशा मैं जानता हूं कि तुम मुझसे रूठी हुई हो, लेकिन मोहब्बत में हमेशा के लिए खामोश हो जाना तुमने किससे सीखा है? आशा बोलो, तुम्हें बचपन की मासूम मोहब्बत की कसम, एक बार बोलो आशा। आशा तुम्हें बोलना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बोलना पड़ेगा। आशा तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें खामोश नहीं दे सकता। बोलो आशा, आशा तुम्हें बोलना पड़ेगा। आशा बोलो, बोलो आशा, आशा, आशा बोलो, बोलो आशा, आशा बोलो, आशा बोलो, बोलो, वरना मोहब्बत बदनाम हो जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। आशा मैं दीवाना हो जाऊंगा। बोलो आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो, बोलो आशा, तुम नहीं बोलोगी तो मैं खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आशा अच्छा।
कितनी दिलकश जानी, ऐसा मालूम होता है जैसे खुद के देवता ने चारों तरफ प्रेम के सैकड़ों दिए जला दिए। आशा, जब तुम मुझसे दूर थी मैं तन्हाई में पहरों चांद को देखा करता और उसमें तुम्हारी मासूम सूरत को ढूंढता रहता, लेकिन अब मेरा चांद मेरे पास है। वो चांद अगर अपनी सारी चांदनी समेट कर ले जाए तो भी मेरी दुनिया में अंधेरा नहीं हो सकता। आशा, अशोक, वो दिन याद है जब तुम उसे रूठ जाया करते थे और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागती थी। हम दोनों घंटों इसी तरह भागा करते थे मगर कभी न थकते थे। और फिर वो दिन भी आ गए जब बिना दौड़े भागे ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारे जमाने की थकन हम पर टूट पड़ी हो। तुमसे जुदा होने के बाद मेरी जान पर बन गई थी आशा, तुम पर कभी थी। इन दिनों की बातें ना पूछो अशोक, जिनमें दुख दर्द तड़प और जलन उदासी और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। उस दिन की बात पूछो जब मैंने 10 साल की जुदाई के बाद तुम्हें कामनी देवी के मकान में देखा। पहली ही नजर में मैंने तुम्हें पहचान लिया और मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे अंग अंग में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे जीवन के घनघोर अंधेरे में चांद निकल आया, मेरे मन के उजड़े हुए चमन में फिर से बाहर आ गई। मेरी सोई हुई आशाएं एकदम जाग उठी। कहने को वह सिर्फ एक पल की बात थी लेकिन उसे एक पल में अनगिनत घड़ियां बीत गई। मैं तुमसे बयान नहीं कर सकती अशोक कि मेरी क्या हालत थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गई हूं। मेरी आशा है, मेरी उमंग चारों तरफ हवा के दोष पर नाच रही थी। सारा माहौल एक अजीब सी खुशबू में बसा हुआ था और चारों तरफ संगीत का राज था। Thank you.
हुए। मैं उस अनोखे माहौल में गुम हो गई थी। तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया था और तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। आशा, तुम मुझे पहले ही नजर में पहचान गई और मैं तुम्हें बार बार देखने के बाद भी ना पहचान सकूं। यह जरूर था कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल की दुनिया में हलचल सी मच जाती थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में खो जाता था। बस मेरा हाल भटके हुए मुसाफिर कैसा था जो अपनी मंजिल पर पहुंच कर भी मंजिल को ढूंढता रहे। देखना, अब मेरी निगाहों ने अपनी मंजिल को अच्छी तरह पहचान लिया है। आशा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। लेकिन ये नहीं जानता कि दो धड़कते हुए दिलों के लिए इसकी ठंडी जानने में कितना अनोखापन है, कितना सुकून है।